यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। बट गाइस मैं यहाँ पे कैसे आया और मेरे को भाई इन सब ने कैसे यहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है। अबे यार मेरे तो भाई साहब ये चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे को यहाँ पे कैसे किडनैप करके रखा हुआ है इन्होंने। अबे ये है कौन और मैंने क्या कर दिया इनका। भाई साहब बंदों के पास मिनी गन है और पीछे इनके पास मशीन गन्स है, असॉल्ट राइफल्स हैं और भाई सामने बंदे के पास RPG है। और ये कौन है भाई। अबे मैंने अंकल तेरा क्या बिगाड़ा है भाई, मुझे क्यों किडनैप करके रखा हुआ है। यार गाइस मुझे तो पता भी नहीं मैं। अबे यार मैं तो कल रात को आराम से सोया ही था, बट अबे मैं यहाँ पे कैसे आया भाई। एक सेकंड, मेरे पास वेपन्स, मुझे लगा कि मेरे पास वेपन्स होंगे तो भाई मैं एकदम से इनको उड़ा दूंगा, बट गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, बंदों के पास यहाँ पे RPG है। वो देख रहे हो सामने RPG मेरे ऊपर दाग के बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये मिनी गन दाग के बैठे हुए हैं और पीछे तो भाई साहब मेरे ऊपर पूरी के पूरी गन्स दाग के बैठे हुए हैं। भाई यार ये मैं कहाँ फंस गया भाई। अबे यार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई। अबे अंकल मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, कौन तू भाई, मेरे को क्यों लेके आया तू यहाँ पे। तो गाइस 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 इन्होंने अपने बंदे बुला के यहाँ पे मेरे को एकदम से मारना शुरू कर दिया और सामने देख रहे हो भाई इतने सारे बंदों ने मेरे ऊपर RPG दाग के रखी हुई है और भाई ये मिनी गन दाग के रखी हुई है और ये देखो भाई मुझे कैसे कूटने में लगे पड़े हैं दोनों के दोनों। अबे यार मैंने तुम लोग को बिगाड़ा क्या और मैंने किया क्या है, मुझे कम से कम ये तो बता दो भाई। गाइस यार गाइस ये ज्यादा हो रहा है भाई माइकल के साथ, लिटरली बता रहा हूँ माइकल कितना ज्यादा तड़फ रहा है। गाइस ये ज्यादा हो रहा है भाई, सही में ज्यादा हो रहा है। मुझे ना अभी स्विच करना पड़ेगा ट्रैवर पे और मुझे नहीं पता मैं कौन सी लोकेशन में हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं पता अभी, बस मुझे जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ेगा ट्रैवर पे क्योंकि ट्रैवर ही अभी माइकल की हेल्प कर सकता है और ट्रैवर भाई बहुत ज्यादा दूर है जहां पे हम किडनैप हैं। अबे यार ट्रैवर को तो भाई ये बात पता ही नहीं है यार। अबे ये क्या करने में लगा पड़ा है भाई, ये पागल है क्या, क्या कर दिया इसने ये। अबे तू पागल है भाई, तू यहां से निकल यार, इधर से माइकल भाई किडनैप हुआ पड़ा है। और कुछ गाइस मुझे किसी की गाड़ी वाड़ी देखनी पड़ेगी यहां पे भाई, वो लोग तो माइकल को सच्ची में मार देंगे भाई, मुझे लग रहा है अभी ट्रैवर ही माइकल की पूरी हेल्प कर सकता है। एक सेकंड, एक काम करता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ लगता है कोई गाड़ी मिल जाएगी भाई। एक सेकंड, एक ना यहाँ पे कुछ किसी का घर वर है बढ़िया वाला और उस बंदे के पास मुझे लग रहा है मुझे गाड़ी मिल जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पे शायद इसके पास मुझे मिल जाए। अबे यार ट्रैवर अब तो भाई तेरे को माइकल की हेल्प करनी पड़ेगी। एक सेकंड, एक काम करता हूँ मुझे लग रहा है इसके पास मुझे गाड़ी मिल जाएगी क्योंकि इतने एरिया के ना सबसे अमीर बंदा यही है और मुझे सही मैंने सही देखा गाड़ी ये रही। तो चलो गाइस जरा अभी फटाफट से भाई गाड़ी में बैठते हैं। अब यार मैं गाड़ी में तो बैठ गया पर मैं जो जाना कहाँ है भाई, माइकल किडनैप है बट है कहाँ पे मुझे तो लोकेशन ही नहीं पता। और इस चीज के लिए हेल्प भाई अपनी एक ही बंदा कर सकता है जिसका नाम है लेस्टर। तो चलो गाइस यार, और गाइस इस मामले में अपनी हेल्प कर सकता है सिर्फ एक ही बंदा जिसका नाम है लेस्टर। तो भाई साहब अभी मुझे फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाना पड़ेगा और लेस्टर के पास जाना पड़ेगा। अबे भाई मैं बिल्कुल अभी रुकने नहीं वाला और क्योंकि लेस्टर को ही लोकेशन पता लगेगी माइकल की। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ पूरी फुल स्पीड में और जल्दी से निकलते पहले एम्यूनेशन से एम्यू लेने के लिए। भाई अभी मेरे कोई भी आगे आता जाए मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड माइकल को बचाना है पहले। तो चलो गाइस यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ एम्यूनेशन की तरफ। ऑलराइट गाइस मैं अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ गांव की तरफ, एक एम्यूनेशन है वहां पे। अबे यार मुझे एक तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है और एक पता नहीं किस किस में टक्कर हो रही है इस गाड़ी, क्योंकि गाड़ी ना नीचे से कुछ ज्यादा ही छोटी है और मैं गांव की तरफ हूँ, कहीं भी पत्थर वत्थर पड़े रहते हैं भाई साहब। अभी तो मुझे कपड़े तक बदलने का मौका नहीं मिला और मुझे अभी कपड़े बदलने भी नहीं है, पहले तो अपने लिए जल्दी जल्दी गन्स खरीद लेते सारे की सारी। ऑलराइट गाइस मैंने ना अपनी यहाँ पे सारे के सारे वेपन्स खरीद लिए और अपने लिए एक आर्मर भी खरीद लेते हैं जो कि सुपर हैवी आर्मर है और अपने लिए एक जैकेट भी खरीद लेते हैं भाई। एक सेकेंड भाई ये जैकेट, अबे यार गलती से कौन सी जैकेट ले ली भाई, ये जैकेट बिल्कुल सही लग रही है ट्रेवर पे। और गाइस मुझे बताना जरूर ट्रेवर आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई साहब, बताना जरूर कमेंट करके। और अभी गाइस मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी मुझे पहले फटाफट से लेस्टर के पास जाना है। एक सेकंड यार, तो चलो गाइस यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ जल्दी से निकलते हैं भाई साहब लेस्टर के पास। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ और ये देख लो भाई इतना अपन इधर अपने साथ इतने बड़े पंगे हो रखे और रस्ते से ना ये देख लो गैंग्स वाले भाई। अबे तेरी ऐसी की तैसी, वैसे ही मैं नए नए वेपन्स लेके आऊं, पहले तो तुम लोगों को देख लेता हूं मैं भाई, तू भी चलो ठीक है गाइस। ये अपना गैंग का मेंबर नहीं है भाई, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बिना मतलब कि गालियां वाली दे रहे हैं
मैंने तो नए नए वेपन्स लिए, अभी चेक भी कर लेते हैं। तो चलो यार गाइज, अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, मुझे पहले लेसर से मिलना है। और गाइज एक और पंगा है भाई, मुझे जिस बात का डर है ना वही चीज़ ना हो जाए, क्योंकि लेस्टर के साथ ट्रेवर ने भाई साहब स्कैम कर रखा है एक। मुझे बस इसी बात की टेंशन है कि लेस्टर ट्रेवर को मिलने के लिए मना ना कर दे, फिर तो भाई माइकल मर जाएगा आज। मैं सही में बता रहा हूँ, अगर लेस्टर ने ये चीज़ करी ना तो भाई साहब माइकल बिल्कुल ही मर जाएगा। मुझे यार अभी डर लग रहा है। तो चलो गाइस यार, अभी पहले गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगाता हूँ, और देख रहे हो अपनी गाड़ी 400 टच कर चुकी है। बस गाइस अभी मुझे अपनी गाड़ी को ना स्लो बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी आगे आता है ना मैं उड़ाता जाऊंगा। तो चलो गाइस यार, अभी बातें हो चुकी है बहुत, जल्दी से निकलते हैं लेस्टर के घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के घर के पास। और भैया मुझे नहीं पता लेस्टर मेरे लिए गेट ओपन करेगा भी या नहीं, कहीं लेस्टर मुझे बाहर से ही ना भगा दे। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, ये रहा लेस्टर का घर। एक मिनट अपनी गाड़ी को पहले मैं यहीं पे पार्क लगा लेता हूँ, और फटाफट से चलते हैं लेस्टर के घर पे, देखते हैं भाई साहब लेस्टर गेट खोलेगा या फिर नहीं। भाई वही बात हो गई, और ये बंदा कैमरे में देख लेगा कि ड्राइवर आया और मेरी बात ये सुनेगा नहीं। पर लेस्टर यार गेट खोल भाई। और गाइस गाइस गाइस, मेरे को ना भाई साहब लेस्टर का गेट खड़काते हुए कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मुझे ना लेस्टर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ट्रेवर ने लेस्टर के साथ एक स्कैम करा था, और लेस्टर उसी चीज़ का गुस्सा निकाल रहा है, और लेस्टर बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, अंदर से गेट ओपन नहीं कर रहा है, और मैं चिल्ला रहा हूँ लेस्टर लेस्टर, और मैं कब से गेट उसका नॉक कर रहा हूँ। लेस्टर यहाँ पे कैमरे से बार बार देख रहा है और गेट ओपन ही नहीं कर रहा है। अभी ना गाइस ये ऐसे गेट ओपन नहीं करेगा, अपना यहाँ पे लगाने पड़ेंगे एक स्टिकी बॉम्ब। थोड़ा सा पीछे होके इसको ब्लास्ट करते हैं। भैंस की टांग, इसने तो भाई साहब पूरे, भाई ये बंदा आज गेट नहीं ओपन करेगा, तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब इस बंदे ने तो मुझे अभी गुस्सा बहुत आ रहा है, बंदा गेट ओपन करने के लिए रेडी नहीं है, क्या करूं यार मैं तो। और अगर गाइस ये अभी ये गेट ओपन करेगा तभी तो मेरी बात सुनेगा, मैं कैसे बताऊं भाई। अभी गाइस मुझे एक काम करना पड़ेगा, अभी इस चीज़ में अपनी हेल्प सिर्फ फ्रैंकलिन नहीं कर सकता, क्योंकि लेस्टर की फ्रैंकलिन के साथ बहुत अच्छी बनती है। ट्रेवर ने फ्रैंकलिन के साथ एक स्कैम इसीलिए करा था, मैं आप लोग को बताता हूँ ट्रेवर ने लेस्टर के साथ क्या स्कैम किया था। जब माइकल ने उसकी हैकर फ्रेंड जॉर्जिना चैंग को बचाया था ना उन टेररिस्ट से, तो लेस्टर ने भाई साहब वो हैकर फ्रेंड को, मतलब लेस्टर को तंग करने के लिए लेस्टर ने हैकर फ्रेंड को ही गायब कर दिया था। वो चाहे वो ये मजाक कर रहा था, बट लेस्टर इस चीज़ को सीरियसली ले गया, और लेस्टर ने उसके बाद कभी भी ट्रेवर से बात ही नहीं करी। बट ट्रेवर ने बोला था कि मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, बट लेस्टर भाई साहब वो अपनी फ्रेंड को पता नहीं गर्लफ्रेंड समझता है, पता नहीं क्या समझता है वो भाई। अगर हम लेस्टर की फ्रेंड के साथ मजाक करते हैं ना तो लेस्टर झेलता नहीं है भाई, सहता नहीं है, वो गुस्सा मान जाता है। इसीलिए भाई साहब लेस्टर ने कसम खा रखी है कि वो कभी भी ट्रेवर से बात ही नहीं करेगा। अबे यार ये टाइम नहीं है गुस्सा निकालने का, बट अबे यार बेचारे लेस्टर की भी क्या गलती, अगर लेस्टर को बात पता चलती तो भाई साहब लेस्टर ये नहीं करता। बट यार गाइस लेस्टर बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, हम भी क्या ही करें। तो चलो यार अभी ना गाइस मुझे जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि फ्रैंकलिन की लेस्टर बहुत अच्छे से सुनता है। चलो गाइस यार मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ फ्रैंकलिन के ओल्ड घर पे। आजकल फ्रैंकलिन अपनी आंटी के घर पे ही रहता है, तो चलो गाइस यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ फ्रैंकलिन के ओल्ड घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाता काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, मतलब मैं पहुंचने वाला हूँ फ्रैंकलिन के पुराने वाले घर पे। और ये रहा फ्रैंकलिन का पुराना घर, मतलब थोड़ा सा आगे जाके वो रहा फ्रैंकलिन घर। अब एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना भाई साहब यहीं पे पार्क लगा देता हूँ, बाद में इसको जाके मुझे रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, लॉस सैंटोस कस्टम्स में ही रिपेयर करवा लेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास ये फ्रैंकलिन ने गाड़ी देख ली ना भाई साहब वो पीछे ही पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं इसको यहीं पे पार्क लगाते हैं, और फटाफट से मैं निकलता हूँ फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि अभी अपना सिर्फ एक ही बंदा जो अपनी हेल्प कर सकता है वो है फ्रैंकलिन। तो चलते गाइस यार मैं जल्दी से निकलता हूँ फ्रैंकलिन के पास। ऑल राइट गाइज मैं पहुंच चुका हूँ भाई फ्रैंकलिन घर पे। अरे ये क्या कर रहे हैं फ्रैंकलिन की आंटी, हाँ ये क्या कर रही है भाई। वो देखो गाइज वो आ चुका है ट्रेवर। भाई साहब ट्रेवर पहले से चिढ़ा बैठा है कि इतना कुछ हो गया। ओ अबे क्या कर क्या रहा है भाई ट्रेवर, इधर माइकल किडनैप हुआ। अबे वाह भाई, हाई साहब ये क्या मजे करवा भाई, दोनों क्या मजे कर रहे हैं, इधर माइकल किडनैप और ये दोनों को मजे करने में लगी पड़ी है। अभी ट्रेवर को समझा रहे तेरे को फनी लग रहा है, इधर माइकल किडनैप हो रखा है। हाई साहब अभी चिढ़ गया भाई ट्रेवर मुझे लग रहा है।
calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. तो गाइस ट्रेवर इस चीज के लिए भी चिढ़ा बैठा है क्योंकि लेसर ना उसका कॉब लेसर उसको जवाब नहीं दे रहा और भाई सब सही में यार अगर ऐसा कोई भी हो तो भाई वो बंदा हर कोई चिढ़ जाएगा और ट्रेवर ने इसको बता दिया अभी सारा काम तू अकेला ही करेगा माइकल को तू ही बचाएगा तेरे को ही बचाना पड़ेगा माइकल को। तो गाइस यार फ्रैंकलिन यही बात कर रहा है कि लेस्टर से पूरी माइकल की लोकेशन मैं निकलवा लूंगा मेरा काम है मैं लेस्टर मेरे साथ अच्छी बनती है लेस्टर की मैं अपने आप सारी लोकेशन सारा कुछ सारा इन्फॉर्मेशन मैं लेस्टर से निकलवा लूंगा। ओके They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. और गाइस यार ट्रेवर बार बार यही बोल रहा है फ्रैंकलिन को कुछ भरोसा नहीं है माइकल को खत्म भी कर देंगे वो अगर तेरे में दम है तो जल्दी जल्दी उसको बचा ले। भैंस की भाई कितना गुस्से वाला है देख रहे हो बिना मतलब के लोगों को मार रहा है भाई ये कुछ ज्यादा ही पागल हो रखा है। तो चलो गाइस यार अभी मैंने ना जल्दी जल्दी कॉल लगाया लेस्टर को अभी लेस्टर से ना मैं सारी बात करता हूँ लेस्टर से पहले मैं जल्दी जल्दी सारी बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस यार मेरी जो है ना भाई सारी बात हो चुकी है लेस्टर से। लेस्टर ने मुझे एक ऐप दी है जिसका नाम है ट्रैकिफाई जिससे कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ माइकल की लोकेशन। तो एक सेकेंड भाई अबे माइकल यहाँ पे कैसे आ गया अबे माइकल तो कहीं और किडनैप था और यहाँ पे कैसे आ गया माइकल भाई साहब अबे ये कौन सी जगह है और माइकल यहाँ पे कैसे आया पहले तो भाई वो बुड्ढे अंकल के पास किडनैप था और उसके कुछ टेररिस्ट थे और ये यहाँ पे कैसे आ गया मुझे भाई अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये क्या कर रहे हैं माइकल के साथ। ओ भाई 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 तो गाइस 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 अभी मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा माइकल को छुड़वाने के लिए पहले मुझे वो ट्रैकिफाई ऐप को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब इन्होंने ना माइकल को मारने के लिए एक मशीन के जरिए माइकल को लगा दिया कि माइकल को काट देंगे। अब मुझे नहीं पता भाई माइकल है कहाँ पे फटाफट से मुझे जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए और ये ट्रैकिफाई ऐप ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और देख रहे हो आप मुझे यहाँ पे माइकल की लोकेशन जो है ना वो पूरे अच्छे तरीके से शो हो रही है मुझे बस सीधा सीधा चलते जाना है। देखते भाई मैं बिल्कुल सीधा तो चल रहा हूँ और देखते भाई कब तक मुझे सीधा ही ओके तो मुझे यहाँ से लेना है थोड़ा सा राइट और मुझे लग रहा है ना मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। एक काम करते हैं आई थिंक यहीं पे कहीं पे लोकेशन है बहुत करीब आ चुका हूँ भाई साहब मैं तो। ओके तो गाइस यार इधर की लोकेशन मुझे शो हो रही है वेट थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं भाई थोड़ा सा इधर की तरफ जाना है मुझे भाई साहब। ये ट्रैकिफाई ऐप तो काम की चीज तो है भाई बट ना इससे एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं चल रही है। ओके तो गाइस यार मुझे बस ना अभी यहाँ पे सीधा ही जाना है और ओके तो ये यहाँ पे आके लोकेशन मुझे शो कर रहा है और मैं गाइस रस्ते से अपने लिए वेपन्स भी लेके आ चुका था। वेपन्स अपने पास सारे के सारे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट इसको अंदर करते हैं अभी लेस्टर की ट्रैकिफाई ऐप तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। एक काम करता हूँ मैं अपनी असॉल्ट राइफल पहले बाहर निकालता हूँ। ओके तो गाइस यार ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये माइकल को लॉस लिबर्टी सिटी फिर या फिर नॉर्थ यंटन भेजने वाले हैं। एक मिनट ये कोई एक सेकंड ये रहा भाई बंदे दो सामने बंदे खड़े हैं और यहाँ पे माइकल की ही बात चल रही है और मैं कंफर्म हूँ कि यहीं पे इन्होंने माइकल को किडनैप करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं कर सकता क्योंकि भाई साहब अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक करी ना तो भाई साहब ये माइकल को खत्म ही कर देंगे। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं निकालता हूँ अपने मिनी गन जो भी दिखता है ना सबको भाई साहब भून के रख दूंगा मैं ये मिनी गन तो सबको भून के रख देगी। और यहाँ पे ऐसी कौन सी ओके तो अंदर ही है माइकल। एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे मैं अपनी मिनी गन को वेस्ट नहीं करता अंदर पता नहीं कितने बंदे हो सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से ही जाना पड़ेगा। चल भाई तू निकल यहाँ से। ओके इस बंदे को तो पता ही नहीं है भाई कोई आ गया है इतने नल्ले हैं भाई यहाँ के बंदे। एक सेकंड बट यार माइकल को किडनैप कैसे किया था इन्होंने भाई मुझे यही समझ में नहीं आ रहा वो चीज तो भी माइकल ही बता सकता है। कोई दिक्कत नहीं है ओ देखो वो देखो वो देखो वो आ रहा है ना चल तेरी ऐसी की तैसी और तू ऊपर क्या कर रहा है तेरी है भैंस की टंग भाई साहब उसको तो भून के रख दिया मशीन ने। गाइस एक काम करते हैं अपन निकालते हैं देसी कट्टा भाई साहब देसी कट्टे का सिर्फ एक ही शॉट पड़ता है बंदा सीधा खत्म ही हो जाता है तो मुझे ना बस देसी कट्टे से मारने में अच्छा बढ़िया लगता है। चलो ठीक है निकल तेरी ऐसी की तैसी तेरी भैंस की निकल यहाँ से और तू भी निकल
तो भी एक मिनट गाइस, जो सामने बंदा है ना इसको मैं इस हिसाब से मारूंगा। ये भी गया मशीन के अंदर, प्यास की जाओ भाई सब टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने तो मशीन के अंदर जाते ही। अबे यार माइकल के भी ऐसे टुकड़े करने वाले हैं ये भाई साहब, मुझे माइकल को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। तुम्हारी भैंस की अपनी भाई, ये रहा माइकल। ओ भाई भाई एक सेकंड, चल तेरी भैंस की टांग। मुझे ना गाइस एक बार माइकल को कोई ना कोई गन देनी पड़ेगी। चलो गाइस अभी मैंने माइकल को गन दे दी है। ओके चल चल तेरी, चल 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 फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी आगे जा, आगे जा, तेरे को पक्का कह रहा हूँ भाई। बहुत बंदे होंगे आगे, देख रहे हो गाइस कितने सारे बंदे आते जा रहे हैं, और वो टेररिस्ट कौन थे मुझे उनको भी देखना पड़ेगा। चल भाई निकल यहाँ से, चल तू भी निकल, और तू भी निकल, और तू भी निकल। तो चलो गाइस यार अभी यहाँ पे फ्रैंकलिन तो लगा पड़ा है सबको खत्म करने में। चल 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 भाई फ्रैंकलिन आगे चल, आगे चल थोड़ा सा आगे निकल, और यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं इनको जल्दी जल्दी ना हमको खत्म करना पड़ेगा। ओके तो ये इसकी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार अभी मैं फटाफट एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन मैंने स्विच कर लिया, अभी फटाफट से मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे बंदे ना मुझे पता है काफी सारे होंगे। चल तेरी ऐसी की तैसी निकल, ओके तू भी निकल। चलो गाइस यार यहाँ पे तो हमने सारे बंदों को खत्म। ओ भाई अबे ओए ओए नहीं 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 भाई, ओ भाई नहीं 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 जल्दी जल्दी एक सेकंड मुझे जल्दी से निशाना बनाना पड़ेगा। ओ चल चल तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, बेचारा कैसे बचा यार फ्रैंकलिन। और चलो गाइस यार हमने अपनी जो ये जंजीर है ना इसको भी नीचे उतार लिया है। ओके तो गाइस यार चलो यार मेरे को भी एक मशीन गन टाइप की गन मिल चुकी है। अभी ना भाई सब कोई भी आ गया ना इसको खत्म ही कर देंगे। तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से। मुझे तो बस यही समझ नहीं आ रहा, वो मुझे तो बस इतना समझ में नहीं आ रहा, वो टेररिस्ट ने मेरे को किडनैप करके रखा हुआ था, और भाई साहब ये एकदम से ये कौन से बंदे आ गए, कौन सी गैंग के बंदे हैं मुझे नहीं पता। भाई साहब इनके पास क्या ही मशीनें हैं भाई, बंदे को भून के रख देती। यहाँ पे अभी एक बंदा गया सीधा उसको भून के रख दिया इसने। चलो गाइस यार यहाँ पे अभी मैंने, अभी ये कौन है, ओ, ओ भाई भाई क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। चलो गाइस 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 अभी एक सेकंड एक काम करते हैं। चलो गाइस यार ये सब बढ़िया है, अभी मुझे ना ये फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठना है। ओके तो गाइस यार मुझे ना कैसे भी करके अपनी गाड़ी को ना यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पीछे जो है ना भाई ये गुंडे गुंडे लग चुके हैं, और ये गाड़ी मुझे नहीं लग रहा इतनी स्पीड से भागेगी, बट मुझे कैसे भी करके इस गाड़ी को भगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लो गाइस कितने सारे बंदे हैं, अभी मुझे फटाफट से पहले तो ना मुझे माइकल को बचाना पड़ेगा। ओ भाई क्या कर रहा है ये बंदा भाई, गाड़ी की क्या ही हालत कर दी यार अभी तो। चलो गाइस यार ये पीछे बंदे आ रहे, एक सेकंड यार ये पहले ना पीछे बंदे आ रहे ना, पहले इनकी ऐसी की तैसी। ओ भाई बंदे ने क्या ही कर दिया गाड़ी का यार, तेरी भैंस की टांग। चल निकल यहाँ से, अभी अभी पीछे आके दिखा, इसका टायर भी पंक्चर कर देते ताकि ये पीछे ही ना पाए। भाई साहब देख रहे हो लोग कैसे कैसे गाड़ी चला रहे। चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी आजा, एक काम करते गाइस इसको ना फटाफट से रिपेयर भी करवा लेते गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी मुझे थोड़ी सी बढ़िया लगी, और अभी अपने पीछे ना कोई भी बंदा नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस यार इसको ना मैं फटाफट से इस गाड़ी को ना जल्दी से रिपेयर भी करवा लेते हैं, और भाई साहब इसी गाड़ी को अपने घर पे भी लेके चलते हैं। अभी मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला, और भाई कैसे भी करके फ्रैंकलिन ने ना माइकल को बड़े अच्छे तरीके से बचा ही लिया है। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूं और जल्दी से निकलता हूं अपने घर की तरफ। ऑल राइट गाइज, हम जो है ना अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाते भगाते काफी ज्यादा तक आ चुके हो। और गाइज मैंने रास्ते से जैसे आप लोगों को बोला था कि मुझे ना ये वाली गाड़ी ना बहुत ही पसंद आई, और गाइज जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ये ना गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैंने ना भाई साहब इसको रिपेयर करवा लिया। देख रहे हो ना क्या ही मस्त चल रही है, और भाई अभी कोई टेंशन नहीं है अपन को। बस गाइज मुझे ना अभी बस सिर्फ एक ही काम है, माइकल को घर पे छोड़ना, और माइकल की तबीयत ज्यादा ही खराब होगी। उन्होंने ना माइकल को उल्टा लटका रखा हुआ था, और वो ना मीट फैक्ट्री थी वहां पे, वो मीट वीट को काटते हैं, देख रहे थे ना आप किस हिसाब की गंदी गंदी मशीनें थी वहां पे। हमने एक दो बंदों को वहां पे फेंका, और भाई पूरी मशीन ने बंदे की सारी हड्डियों का जूबर निकाल दिया। चलो छोड़ो यार अभी क्या ही बातें करनी, बहुत गंदा दृश्य था वो। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता और फटाफट से निकलता हूँ अपने घर की तरफ। ऑल राइट गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ अपने घर पे, और बस भाई घर पे जाके अपना आराम से एक छोटा सा काम है वो करेंगे। अबे ये फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई, ये फ्रैंकलिन आखिर कर क्या रहा था, एक सेकंड एक 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 सेकंड एक सेकंड मैं ना एक काम करता हूँ आगे के दरवाजे से जाता हूँ अपने घर पे, और फ्रैंकलिन किसको उल्टा भाई, ओ भाई अबे 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 एक सेकंड ये तो वही टेररिस्ट है जिन्होंने माइकल को किडनैप करके रखा हुआ था भाई। ये माइकल के घर पे इतने सारे टेररिस्ट कहां से आ गए,
ओके तो एक सेकंड, एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे भी पूरा इन बंदों को क्लियर करना पड़ेगा। आ जा भाई फ्रैंकलिन। ओके तो गाइजर फ्रैंकलिन ने अपनी गन बाहर निकाल ली है। मुझे भाई साहब इतना नहीं पता था कि अंदर इतने सारे बंदे, ये ना पक्का माइकल की वेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये माइकल को बहुत गंदा मारने वाले हैं। एक सेकंड यार, मुझे इनमें से वो आरपीजी वाला मिनी गन वाले दिख नहीं रहे, बाकी सिंपल गन वाले दिख रहे। एक काम करते हैं, हल्ला बोल देते। ओ हेलो पागल है क्या तू भाई? बंदा पागल है, आरपीजी वाले हैं भाई अंदर। एक काम करते हैं, अपनी गन्स बाहर निकाल लेते हैं भाई। आरपीजी वाले अंदर हैं भाई, भैंस की टांग तेरी, आरपीजी छोड़ रहा है भाई साहब। पूरे घर पे ब्लास्ट हो गया भाई, भैंस की टांग। ओ भाई 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 भाई, पूरे घर पे आग लग गई। अबे ये क्या हो गया एकदम से? फ्रैंकलिन तूने ये क्या कर दिया भाई? अबे फ्रैंकलिन गया भाई। अबे भैंस की टांग, क्या ही हो गया भाई एकदम से। पहले ना मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये जो जो बंदे को पास आरपीजी है ना, ये जो बंदे रॉकेट लॉन्चर लेके बैठे, पहले तो इनको डाउन करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये मेरे पूरे घर को आग लगा देंगे। भैंस की टांग, क्या ही बंदे ने आरपीजी छोड़ी मेरे ऊपर। अबे यार एक काम करता हूँ, मुझे भी ना एक एक बंदे को मैं जब मार रहा था ना, मुझे भी आरपीजी मिली और मैं भी आरपीजी छोड़ने वाला हूँ। मुझे लग रहा था यहाँ पे आरपीजी वाले बंदे भी हैं, बट यार भाई कितने खतरनाक है ये। भैंस की टांग नीचे आ तेरी, ऐसी की तैसी ऊपर खड़ा आरपीजी छोड़ रहा है। चल भाई तेरी भैंस की टांग भाई साहब, ये कैसे टेररिस्ट है यार। हे सही, एक काम करता हूँ नीचे बैठ के। अबे फ्रैंकलिन कहाँ पे है भाई? फ्रैंकलिन ये खड़ा हुआ है। ओके तो चल भाई निकल, तेरी ऐसी की तैसी यहाँ पे ये रॉकेट लॉन्चर छोड़ रहा है। ओके तो चलो गाइस, रॉकेट लॉन्चर वाले काफी बंदों को हमने ऐसे ही निपटा दिया है। तू भाई मिनी गन लेके खड़ा हुआ था ना। ओके तो गाइस यहाँ पे तो हमने काफी सारे बंदों को खत्म कर दिया, बट अपने घर पे पूरी आग लग चुकी है भाई। और ये फ्रैंकलिन किसको मार रहा है? मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बंदा होगा जिस हिसाब से फ्रैंकलिन उसको मारने में लगा पड़ा है। नहीं बेटा नहीं, चल निकल तेरी, सीधा हेडशॉट मार मार के इनको डाउन कर दिया हमने। कितने सारे बंदों को यहाँ पे ऐसे ही निपटा दिया। बट गाइस देख रहे हो इनके पास यहाँ पे कितने बंदे थे और इनके पास सबके पास आरपीजी थी भाई। ये तो सही रहा कि मैं बच गया, नहीं तो आरपीजी से तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। और अपने घर पे तो मुझे नहीं लग रहा अपने घर पे कोई भी दिक्कत हुई होगी भाई। मुझे ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मुझे ये पता नहीं लग रहा कि इन्होंने मुझे किडनैप कैसे किया था भाई साहब। देख रहे हो यार कितना घर पे हल्ला हो गया और अपने भी दो चार बुलेट लग गई यार। चलो भाई बस ये है कि अभी वो बुड्ढा अभी भी जिंदा है जिस बुड्ढे ने मेरे को किडनैप करके रखा हुआ था, और ये सारे इसके टेररिस्ट को हमने खत्म कर दिया। अपना घर भी सेफ है, पूरी इतनी आग फैली नहीं अपने घर पे, बट इतनी सारी लाशें हो चुकी है। पुलिस वालों के साथ दिक्कत हो सकती है अपने लिए, और ये सारी आग को ओए ओए अभी भी है एक बंदा। एक सेकेंड, अभी भी कोई है कौन है भाई? भाई कोई है? ओके तो ये रहा तेरी भैंस की, कहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ पे खड़ा हुआ है? चल 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 बेटा खड़ा हो। भैंस की, अबे मीनिंग छोड़ रहा है वो। मुझे एक सेकंड, एक ना ग्रेनेड फेंक देते हैं ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा ना ऊपर बंदे हो सकते हैं, बट ठीक है नहीं है भाई। अभी अगर होते तो वो मेरे ऊपर, वो रहा एक खड़ा है, मुझे लग रहा था भाई बंदे ना गाइस है ऊपर। ये देखो इसका हेलमेट ही उतार दिया मैंने। आ नीचे तेरी भैंस की टांग तेरी भाई। देख रहे बंदा मिनी गन लेके मारने की तैयारी कर रहा था। ओके तो मुझे नहीं लग रहा भाई ऊपर, ये ऊपर मेरी छत पे कैसे चढ़ गए भाई? एक सेकंड थोड़ा पीछे होके देखता हूँ। बाकी ठीक है भाई, अभी अपनी छत भी क्लियर है, मुझे छत पे कोई बंदा दिख भी नहीं रहा। बाकी हमने ये सारे बंदों को खत्म कर दिया, मुझे इनकी लाशों को निपटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर पुलिस ने देख लिया ना यहाँ पे अपने ऊपर खामखा केस बढ़ जाएंगे। पहले से ही अपने ऊपर केस चल रहे हैं और कोर्ट के भी बहुत सारे चक्कर लग रहे हैं माइकल के। आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम भी माइकल कोर्ट में गया था, बहुत वीडियोस पहले। चलो यार ठीक है, अभी माइकल अपना सेफ है, फ्रैंकलिन ने अपनी मदद करी है। ट्रेवर तो भाई अपना आपा ही खो बैठा था, एक दो बंदों को ही उसने मार दिया, क्योंकि भाई वो भी अपना बहुत बेस्ट बहुत अच्छा फ्रेंड है और उनसे देखा नहीं जाता बेचारे से कि जब माइकल प्रॉब्लम में होता है। तो बाकी हाँ गाइज, आप लोग को ये वाली सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके ना जरूर बताना। तो चलो गाइज करते हैं गाइज आज की वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे लग रहा है अभी भी बंदा है, बट होगा तो माइकल अपने आप खत्म कर देगा। तो चलो गाइज बाय बाय।